हाय, मेरा नाम कुणाल शर्मा है और आज आपका पर्सनल ट्रेनर मैं हूँ। और आज जो हम वर्कआउट करने जा रहे हैं उसका नाम है बैलेंस वर्कआउट, बैलेंस एंड प्रोप्रिसेप्शन आई वुड से। अभी ये बैलेंस और प्रोप्रिसेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर आप एक लात पे खड़े हो जाएं तो आपको बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप स्प्लिट स्टांस में खड़े होंगे तब भी बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे डिफरेंट स्पोर्ट्स के साथ तो आप देखेंगे 95% आप स्प्लिट स्टांस में या एक लात पे खड़े होते हैं। कैसे? अगर आप टेनिस देखेंगे तो एक लात आगे एक लात पीछे शॉट मारने के लिए आगे पीछे मूव होते हैं। और अगर आप क्रिकेट देखेंगे तो बॉलिंग करने वाला एक लात पे बॉल घुमाता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, जहां वो ट्विस्ट करता है बॉल को। बैटिंग वाला भी रोटेशन में काफी मूव करता है और स्प्लिट स्टांस में होता है। तो बैलेंस जो मैंने वर्कआउट दिखाने की कोशिश की है उसमें सभी एक्सरसाइज में ये सारे कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिए हैं, जिसमें होता है स्टैटिक बैलेंस, डायनेमिक बैलेंस, बैलेंस पावर, बैलेंस कोर, प्लायो बैलेंस। आज फर्स्ट जो कंपोनेंट है बैलेंस का जो हम करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्टैटिक बैलेंस। अभी स्टैटिक बैलेंस क्या है? स्टैटिक बैलेंस मीन्स कोई मूवमेंट नहीं, एक जगह पे खड़े होके आपको बॉडी को डिफरेंट प्लेन्स ऑफ मोशन में यूज करना है और एक लात पे खड़े होके कहीं कुछ मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। यू होल्ड द पॉस्चर एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, नो स्पीडी मूवमेंट, नो डायनेमिक मूवमेंट, जस्ट फोकस ऑन वन प्लेस। लेट्स स्टार्ट स्टैटिक बैलेंस एंड प्रोप्रिसेप्शन बोथ टुगेदर, एपिसोड नंबर 3, फर्स्ट एक्सरसाइज, फोम पैड, बोथ फीट बैलेंस। ऑलराइट, सो जस्ट सी दिस, इसको बोलते हैं फोम पैड। अभी हम थोड़ा प्रॉप्स यूज कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके इसका आगे जाके क्या फायदा होगा आपको स्पोर्ट्स में और डेली लाइफ में बैलेंस में, कैसे एंकल्स का और नीज का और हिप्स का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसको फोम पैड बोलते हैं। इस पे आप खड़े हो जाएं, जो मार्केट से मिल जाता है 300-400 रुपीज में, तो आप इसको ले सकते हैं और इसको फील कर सकते हैं। इस पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेनिंग कर सकते हैं जो आपको मैं बताऊंगा। जस्ट स्टैंड ऑन इट, क्लोज स्टांस खड़े हो जाइए, वाइड स्टांस खड़े हो जाइए, जस्ट गेट अ फील ऑफ इट फर्स्ट। आप आंखें भी बंद कर सकते हैं फीलिंग के लिए, क्लोज स्टांस खड़े हो जाइए, फिर वाइड स्टांस ले लीजिए दोनों फुट पे, पर आंखें बंद करके आंखें खोल के जस्ट गेट अ फील फर्स्ट। आप उसके, आपको समझ में आ जाएगा इसको, इससे क्या फीलिंग आता है आपके नर्वस सिस्टम में, आपके सोल ऑफ द फुट में, और आपको बैलेंस में क्या चैलेंज चाहिए आगे। इसमें हम डंबल भी यूज कर सकते हैं खड़े होके, ताकि आपका जो बैलेंस है उसको और चैलेंज मिले और नर्वस सिस्टम और स्ट्रांग हो, कोर और स्ट्रांग हो। तो ध्यान से जरा गेट ए फील ऑफ इट, आंखें बंद करके खड़े हो सकते हैं 2 मिनट के लिए, थोड़ा टाइम ब्रीदिंग, गेट ए फील, आपको चैलेंज मिलेगा क्योंकि ये फोम पैड जो है बहुत मुलायम है, सरफेस इसका सॉलिड सरफेस नहीं है, तो आपको चैलेंज मिलेगा बैलेंस बनाने में। अगर आपको मुश्किल पड़ती है क्लोज फुट स्टांस में खड़े होने के लिए आंखें बंद करके, तो वाइड स्टांस में खड़े हो जाइए शुरू में, ब्रीदिंग रखिए साथ में, फिर क्लोज स्टांस कर लीजिए 30-40 सेकेंड, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बेसिक एक्सरसाइज है बैलेंस और प्रोप्रिसेप्शन का। स्टैटिक बैलेंस प्लस प्रोप्रिसेप्शन, एपिसोड नंबर 3, सेकेंड एक्सरसाइज, एयरएक्स पैड। एयरएक्स पैड फोम पैड से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर है बैलेंस में, स्टेबिलिटी में, तो आपको चैलेंज देगा। तो बड़े ध्यान से पहले दोनों पैर पर खड़े होना है, आंखें बंद नहीं करनी इसमें, क्योंकि ये चैलेंज सरफेस है फोम पैड से और सॉलिड ग्राउंड से। सो ध्यान से देखिए, बड़े आराम से, ये देखिए इसमें हवा है तो ये आपको चैलेंज देगा। इसके ऊपर बैलेंस बढ़ा के खड़े होना है, देख लीजिए सेंटर में, आंखें बंद नहीं करनी है इसमें, हाथ यहां पे भी रख सकते हैं, हाथ यहां पे भी रख सकते हैं, ब्रीदिंग आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं फीलिंग के लिए सरफेस को, इसके ब्रीदिंग के साथ, और स्टैंड स्ट्रेट आल्सो विद बोथ फीट आईज ओपन। थर्टी टू फोर्टी सेकेंड ब्रीदिंग,
अगर आपको इसमें कंपोनेंट ऐड करना है स्ट्रेंथ का, तो आप इसके ऊपर खड़े होके स्क्वाट्स भी कर सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, और ऊपर ये स्ट्रेंथ कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया है, जिसको बोलते हैं स्क्वाट्स प्लस बैलेंस। और अगर नहीं करना है, मुश्किल है, तो जस्ट खड़े रहिए। आप इसमें डंबल हाथ में पकड़ सकते हैं और डंबल बाइसेप कर्ल्स कर सकते हैं चैलेंज के लिए। सरफेस अनस्टेबल है, चैलेंज मिलेगा आपको। डंबल लैटरल रेस कर सकते हैं, फ्रंट रेस कर सकते हैं, शोल्डर प्रेसेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कंपोनेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं बैलेंस के साथ। एपिसोड नंबर 3, स्टैटिक बैलेंस प्लस प्रोप्रियोसेप्शन, इसको बोलते हैं बोसो बॉल। इस पे खड़े होना है दोनों पैरों के साथ और इसको फील करना है। इसके साथ हम स्क्वाटिंग, स्ट्रेंथ कंपोनेंट कोई भी ऐड कर सकते हैं, डंबल यूज कर सकते हैं, मेडिसिन बॉल यूज कर सकते हैं, बट इसके ऊपर खड़े होके पहले आपको फील करना है कि इसके सरफेस को, कि इसमें और ग्राउंड में कितना फर्क है, या इसमें फोम पैड में या एयरएक्स पैड में कितना फर्क है। तो बड़े ध्यान से ऊपर आइए, खड़े हो जाइए, पहले इसको फील कीजिए ऊपर नीचे, एक लाद ऊपर एक लाद नीचे, जस्ट फुट पोजिशन मेरे को फॉलो कीजिए। गेट अ फील ऑफ इट फर्स्ट, और फिर दोनों फुट को स्टेबल रखने की कोशिश कीजिए पैरेलल। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपने डंबल पकड़े हो उसमें, तो कितना मुश्किल हो जाएगा बाइसेप कर्ल्स करना और बैलेंस बनाना, और उतना ही ज्यादा कोर को काम करना पड़ेगा, आपके दिमाग को काम करना पड़ेगा फोकस के लिए। अगर मैं स्क्वाटिंग भी मारता हूं तो डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। तो ध्यान से देखिए पोजिशन को, पर आपको शुरुआत जो है स्ट्रेंथ कंपोनेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खड़े रहिए। ये बैलेंस कंपोनेंट सिर्फ देख रहे हैं हम इस एपिसोड में, तो सिर्फ बैलेंस पे ही ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ विल कम लेटर। अभी आप इसको और चैलेंज करना चाहते हैं तो दोनों फुट को ज्वाइन कर लें। देखिए ये बैलेंस मिलेगा आपको, मुश्किल है खड़े होना क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गया है। ब्रीदिंग, आपके एंकल्स को एक्सरसाइज मिलेगी। स्टैटिक बैलेंस एपिसोड नंबर 3, फोर्थ एक्सरसाइज, स्टेबिलिटी बॉल यूज कर रहे हैं, इसको स्टेबिलिटी बॉल बोलते हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग ग्राउंड है क्योंकि ये राउंड है, ओके, इसके नीचे सॉलिड सरफेस नहीं है, ताकि आपको थोड़ा सा भी बैलेंस मिल जाए। बड़े बड़े ध्यान से जब आप अपना फोम पैड, एयरएक्स पैड और बोसो बॉल पे चैंपियन हो जाएं, तब इसको यूज कीजिए, और वो भी सुपरविजन के साथ, किसी इंस्ट्रक्टर की सुपरविजन के साथ। और बड़े ध्यान से देखिए, स्टैंडिंग ऑन नीज एंड होल्डिंग द बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस प्लस प्रोप्रिसेप्शन। ध्यान से देखिए, पहले एक नी को रखना है, दोनों हाथ को अच्छी तरह पकड़ना है, दूसरी नी को रखा, पहले फील किया सरफेस को, बैलेंस को फील किया, हाथों को हटाना नहीं है। पहले देखिए इसको ऐसे ऐसे ही बैठना है, शुरू में तो ऐसे बैठिए और फिर स्लोली स्लोली हाथों को हटा लीजिए। नो मूवमेंट, बड़े ध्यान से कोर को टाइट करते हुए आप इसके साथ डंबल्स पकड़ सकते हैं, मेडिसन बॉल, नेक रोटेशन कर सकते हैं, तो चैलेंज मिलेगा। ओके गाइस, आज आपने मेरे बैलेंस कंपोनेंट के वीडियोस देखे, जो कंपोनेंट वर्कआउट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके ना करने से काफ़ी इंजरी हो सकती है स्पोर्ट्स में या डेली लाइफ में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें अपने क्वेश्चन भेजिए, हम आपको आंसर देंगे। आप रेडी स्टडी फिट चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इन फ्यूचर स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।